महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। महिलाओं की क्षमता पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला वो हर चीज़ कर सकती है जो वो चाहती है। आजकल न सिर्फ महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, बल्कि महिलाएं पुरुषों से आगे भी है। वो कब कौन से क्षेत्र में क्या कमाल दिखा जाए, ये कोई नहीं जानता। सफलता की ऐसी ही एक नई इबारत में अपना नाम जोड़ा है इंदौर की विनीता सिसोदिया ने। जी हाँ, विनीता जिले की पहली महिला हैं जो पराठेदार तरीके से ट्रेन चलाएंगी। जगजीवन रामनगर में रहने वाली विनीता सिसोदिया ने इंदौर शहर से पहली महिला लोको पायलट बनकर अपने परिवार ही नहीं बल्कि शहर का भी नाम रोशन किया है। विनीता ने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया, लेकिन अपने कदम अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ाए। हाल ही में विनीता लोको पायलट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुकी हैं और अब वो जल्द ही उज्जैन से इंदौर और भोपाल, रतलाम और अन्य कई शहरों तक ट्रेन दौड़ाएंगी। विनीता की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसके कारण उन्हें 12वीं के बाद 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और फिर भोपाल के गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया, जहाँ उनकी फीस नहीं लगी। इसके बाद वे इंदौर आईं और इंदौर में आने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया और जब जब रेलवे की नौकरी के वैकेंसी निकलती थी तब तब उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और कई सालों तक उन्होंने लगातार इसके लिए मेहनत की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश लगातार जारी रखी और पूरे 5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 2018 में लोको पायलट के लिए चयन होने के बाद 11 जुलाई को उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और उन्हें उज्जैन हेडक्वार्टर मिला है, जहां से वो अभी मालगाड़ी चलाएंगी। फिलहाल वो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर हैं, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इंदौर, भोपाल, उज्जैन और रतलाम व अन्य कई शहरों तक इलेक्ट्रिक इंजन से वो ट्रेन चलाएंगी। उनके पिता गोवर्धन लाल बसों में कुशन बनाते हैं, उनकी माँ गृहिणी है, उनके घर में छोटी बहन और भाई भी है। ट्यूशन और कॉलेज में पढ़ाने के बाद विनीता ने अपने भाई को बी फार्मा भी कराया और आज उनका भाई दवा की दुकान संचालित करता है। विनीता का कहना था कि उनकी इच्छा कुछ हटकर करने की थी, इसलिए उन्होंने लोको पायलट के लिए तमाम परीक्षाएं दी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, जिससे उन्हें लोको पायलट की पोस्ट प्राप्त करने में मदद भी मिली है। विनीता कहती हैं कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा श्रेय उनके माता पिता को जाता है और उनकी मेहनत को जाता है, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके लिए कई परेशानियों का सामना किया और सारी मुश्किलों को पार करते हुए आज उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। विनीता कहती हैं कि उनके मार्गदर्शक राजू सैनी सर हैं, जिन्होंने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया और पिता ने हर कदम पर आत्मविश्वास बढ़ाते हुए ये बोला कि खुद को कभी कमज़ोर मत समझना और जिस क्षेत्र में जाना हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके शब्द हमेशा दिलो दिमाग में रहे और आज पिता के इस सपोर्ट की वजह से और अपने फैमिली के सपोर्ट की वजह से विनीता सिसोदिया इंदौर की पहली महिला असिस्टेंट लोको पायलट बन गई हैं। इसी के चलते घमासान.com ने की है विनीता सिसोदिया जी से खास बातचीत, देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। सबसे पहले आपको इंदौर की पहली महिला असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोको पायलट बनी हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनी हैं, इंदौर की पहली महिला है, तो आपको कैसा लग रहा है लोको पायलट बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी 8th of July को मेरा पास आउट हुआ है, 11th of July मेरी जॉइनिंग डेट है जी। अभी 2-3 दिन हुए मेरी ज्वाइन में जी। बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब अच्छा ही लग रहा है जी। लोको पायलट बनने के लिए आपने क्या क्या किया, मीन्स आपको इसके लिए कौन कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ी? एक्चुअली इसके लिए स्पेशली जो रिक्रूटमेंट होता है RRB बोर्ड से होता है जी। तो RRB के 17 जोन रहते जी, उसमें आप किसी भी जोन में अप्लाई आप कर सकते हैं जब इसके रिक्रूटमेंट निकलते हैं RRB बोर्ड की तरफ से जी। तो मैंने 2014 वाला जो निकला था बैच 01-2014 का, सेंट्रल 01-2014 का जी, उसमें अप्लाई किया था अहमदाबाद बोर्ड से जी, RRB अहमदाबाद बोर्ड। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है जी। तो उसी में सिलेक्शन होके फिर मेरी 7th of March से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और 11th of July से मेरी जॉइनिंग जी। आप कब से कोशिश कर रही हैं कि मतलब रेलवे की इस जॉब के लिए कितना टाइम लगा? एक्चुअली मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मेरा गवर्नमेंट जॉब में सपना था एक कि मेरा गवर्नमेंट जॉब ही जी,
तो मैं एक्चुअली सभी फील्ड में बैंक में मैंने ट्राई किया है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम भी जी फेस किया है मैंने, तो ओके सभी के लिए मैं तैयारी प्रिपरेशन कर ही दी थी। जी ग्रेजुएशन में मैंने ये वाला एग्जाम क्लियर हुआ है, ओके जी तो मैंने इसको ज्वाइन किया है अभी। अभी कौन सी ट्रेन चलाने का जिम्मेदारी दी गई है आपको रेलवे की तरफ से? एक्चुअली मैम अभी मेरे ट्रेन चलाने का नहीं है, असिस्टेंट करने का है, तो जो ओके ड्राइवर रहते हैं उनको हम असिस्ट करते, तो अच्छा असिस्टेंट हेल्प ड्यूटी होती है सारे सिग्नल्स को देखना, लोगो चेक करना ओके जी और हाँ सिग्नल कॉल आउट करना, ये सब होता है। जी अभी आप असिस्टेंट लोको पायलट रहेंगी हाँ और असिस्टेंट लोको हाँ पायलट होती फिर है। आप जब लोको पायलट हो जाएंगी तब हाँ जी ऐसा कुछ आप बता सकती हैं कि फिर आपको कौन सी ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है? एक्चुअली ये हर एक का डिवीजन का अलग अलग होता है, जैसे मेरा रतलाम डिवीजन है, तो ओके रतलाम डिवीजन में आपका उज्जैन रतलाम आता है, भोपाल तक का आता है, इंदौर तक का आता है, चित्तौड़ तक का आता है, ये सब आता है, तो जी इस एरिया में जो भी ट्रेन रहती है वो हमको चलाने को मिलेगा। अच्छा आपके अब तक के सफर में आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? आपके अब तक के सफर में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का मेरा फुली सपोर्ट था, मेरी मम्मी पापा का, सिस्टर ब्रदर का, सभी का फुली सपोर्ट रहा है मुझे। जी मेरे मम्मी पापा का स्पेशली बहुत रहा है, मतलब जी उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस करके पढ़ाया है हमको, आगे बढ़ाया है, जी और उनकी मेहनत भी रंग लाई है, तो उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको कुछ और फिर मे भी परेशानियों का सामना कंटिन्यूशन करना पड़ा अब मतलब अभी तक की लाइफ में या फिर जो करियर परेशानी में? एक्चुअली आफ्टर 12th मैंने 2 साल ड्रॉप दिया था, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर मैंने उसके बाद बीई किया अपना, जी देन बीई के बाद में उसकी ड्यूरेशन में और उसके बाद भी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किया मैंने, तो जी यही सब कर रहे थे, और आखिरकार मेहनत प्राइवेट आपको कॉलेज में यहाँ तक ले पढ़ाया आई, जी। आखिरकार मेहनत आपको यहाँ तक ले आई। हाँ, जी मेहनत वही कल के लिए मैं यही नोटिस देना चाहूंगी कि आप कोई भी एम रखते तो उसको, यदि आपने उसको फुली ड्रीमिंग रखा है तो फुलफिल होगा जरूर। जी धन्यवाद मैम, बने रहिएगा आगे भी khamasthan.com के साथ। ओके 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 थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।